बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई एम मोहम्मद शरीफ। आई एम लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट कैडेट कॉलेज सांगर। दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर एंड द टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज़ मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। दिस टॉपिक इज़ फॉर क्लास सेकेंड ईयर। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस पॉइंट्स। उनमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ मेटलर्जी, difference between ore and minerals, extraction process of aluminium, refining process of aluminium, properties of aluminium, uses of aluminium, and finally we will summarize our topic. तो सबसे पहले हम introduction से start करते हैं कि metallurgy क्या है। Metallurgy is a process by which metals are extracted in pure form. Metallurgy एक ऐसा process है जिसके through metals को purify किया जाता है, metals को pure form में लाया जाता है। इट मीन्स के नेचुरली मेटल्स आर नॉट प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म, सो उनको प्योर फॉर्म में लाने के लिए वी विल यूज द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। एंड इन मेटलर्जी वी प्यूरिफाई द मेटल्स, इट इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। मेटलर्जी के अंदर हम मेटल्स को प्यूरिफाई करते हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ अलाइज, अलाइज बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हमने यहाँ पे ब्रॉन्ज का एग्जाम्पल लिया है, इट इज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। ब्रास का एग्जाम्पल लिया, इट इज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो दीज आर द एलॉयज, दीज आर द मिक्सचर ऑफ टू प्योर मेटल्स। ब्रॉन्ज ज़्यादातर हम ब्रॉन्ज के मेडल्स वगैरह बनाते हैं और ब्रास के बर्तन वगैरह यूज होते हैं। तो दीज आर द एलॉयज एंड इनको जो है ना हम मेटलर्जी के थ्रू बनाते हैं। उसके बाद हम मिनरल्स की बात करते हैं, व्हाट आर द मिनरल्स। एक्चुअली मिनरल्स आर द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। दीज आर द सम मेटल्स। मिनरल्स क्या हैं? इन मेटल्स के कुछ कंपाउंड्स हैं विथ सम अर्थी मटेरियल्स, इनके साथ कुछ अर्थी मटेरियल्स भी होते हैं। मिनरल्स आर द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, अलॉन्ग विथ अर्थी इंप्योरिटीज आर कॉल्ड मिनरल्स। इनके साथ जो है कुछ इंप्योरिटीज होती हैं जिनको अर्थी इंप्योरिटीज कहते हैं। दीज अर्थी इंप्योरिटीज आर कॉल्ड गैंग पार्टिकल्स आर मैट्रिक्स। ये जो इंप्योरिटीज होती हैं अर्थी इंप्योरिटीज, इनको गैंग पार्टिकल्स या मैट्रिक्स कहा जाता है। इनके अंदर सॉयल पार्टिकल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं। दीज आल्सो कंटेन सम अदर केमिकल इंप्योरिटीज। मिनरल्स आर प्रेजेंट इनसाइड अर्थ क्रस्ट। मिनरल्स ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। देर आर आल्सो अदर कंपाउंड्स लाइक डीजल्स, पेट्रोल्स, दीज आर आल्सो फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, बट दीज आर नॉट मिनरल्स। वाई? बिकॉज These compounds do not contain metals. इनके इन compounds के अंदर कोई भी metals नहीं होता, तो इनको हम minerals consider नहीं कर सकते। उसके बाद हम ores की बात करते हैं। What are ores? Actually ores are minerals which contain high percentage of metals. Ores minerals होते हैं और उनके अंदर metals का ज़्यादा percentage होता है। And metals are extracted from the ores on large scale or industrial level. On economical level, or we can say that on industrial level or large scale, we use ore for the metallurgy process for the extraction of metals. Just like यहाँ पे gold का एक ore लिया हुआ है जिसके अंदर gold का कोई compound है और there are some other impurities known as gang particles or matrix. After the process of metallurgy, metallurgy process के बाद जो हमारे पास product मिलती है that is pure gold. मेटलर्जी में यहाँ पे क्या हुआ कि इसके साथ जो भी इम्प्योरिटीज थी हमने मेटलर्जी के थ्रू दीज इम्प्योरिटीज को रिमूव किया एंड फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिल गया दैट इज प्योर गोल्ड। तो इसको जो है ना हम जनरली मेटलर्जी कहते हैं। उसके बाद हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की बात करते हैं कि भाई हाउ मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड। तो एक्सट्रैक्शन क्या है? एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन एक्सट्रैक्ट ए मेटल फ्रॉम देयर सोर्स। एक्सट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, ओर्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिए गए हैं कि भाई एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइड, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का एक ओर है जिसमें से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट, हेमेटाइट इज द ओर ऑफ आयरन फ्रॉम विच आयरन इज एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पैराइट, कॉपर पैराइट इज ओर ऑफ कॉपर फ्रॉम विच कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड इन प्योर फॉर्म।
यहाँ पे हमने एक फिगर दी हुई है ब्लास्ट फर्नेस की। ब्लास्ट फर्नेस एक इसको जो है ना ज्यादातर कॉपर की एक्सट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर हम कॉपर का ओर लेते हैं विथ सम अदर केमिकल्स लाइक कोक एंड लाइमस्टोन। इसको जो है ना हाई टेम्परेचर के ऊपर हीटर किया जाता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, मोल्टन फॉर्म के अंदर एक जो है ना वो प्योर मेटल कॉपर मिलेगा और यहाँ से जो इम्प्योरिटीज होगी वो स्लेग आउट हो जाएगी। इस सारे प्रोसेस को हम एक्सट्रक्शन प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद हम जो है ना आज का जो टॉपिक है हमारा मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, कि एल्यूमिनियम की मेटलर्जी या एक्सट्रक्शन ऑफ एल्यूमिनियम किस तरह होती है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम मेक्स अप 8% ऑफ अर्थ क्रस्ट कंटेन मेनी अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो हर एलिमेंट का अपना अपना परसेंटेज होता है, तो परसेंटेज के हिसाब से एल्यूमिनियम क्या है 8% ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है ना एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। और या अर्थ इस तरह भी आप कह सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट 8% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। इट इज थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अर्थ होता है आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, क्योंकि ऑक्सीजन का ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज होता है, सिलिकॉन का उसके बाद दूसरे नंबर पे होता है, थर्ड नंबर पे जो ज्यादा परसेंटेज होता है जिस एलिमेंट का वो आपका क्या है एल्यूमिनियम। तो इट इज थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। लेकिन अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल के अंदर ये फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है, फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर एंड बॉक्साइट। ज्यादातर जो एल्यूमिनियम के लिए एक्सट्रक्शन के लिए जो हम ओर इस्तेमाल करते हैं दैट इज नोन एज बॉक्साइट। यहाँ पे फार्मूला दिया गया है Al2O3 दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड विथ सम वाटर मॉलिक्यूल। जिस Na2O का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 1H2O भी हो सकता है, 2H2O भी हो सकते हैं, 3H2O भी हो सकते हैं, रैंडम वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं विथ Al2O3, तो उसको क्या हम कहते हैं बॉक्साइड कहते हैं। बॉक्साइट को हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इट कंटेन 30% ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज कॉल्ड एल्यूमिना। इसको जनरली हम एल्यूमिना कहते हैं और केमिकली दिस इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसलिए हम बॉक्साइट को इस्तेमाल करते हैं बिकॉज इसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ज्यादा परसेंटेज के अंदर होता है। तो उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई एल्यूमिनियम की एक्सट्रक्शन के लिए कौन कौन से प्रोसेस यूज किए जाते हैं, कौन कौन से जो है मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। तो लाजमी है हमने ये पढ़ा कि भाई जो एल्यूमिनियम की ओर्स वगैरह होती हैं दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट से निकालने के लिए सबसे पहले हम उसकी क्या करते हैं माइनिंग करते हैं। माइनिंग के थ्रू उस बॉक्साइट को बाहर निकाला जाता है, तो दैट बॉक्साइट इज इन सॉलिड फॉर्म, वो सॉलिड फॉर्म के अंदर पाया जाता है। तो उसको इंडस्ट्री में लाने से पहले कुछ स्टेप्स में से उसको पास किया जाता है। उसमें जो है ना दो स्टेप है। स्टेप नंबर वन में क्या है ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग ऑफ बॉक्साइट। जो बॉक्साइट हमने माइनिंग के थ्रू निकाला है दैट इज इन सॉलिड फॉर्म, उसको ग्राइंड एंड क्रश करके पाउडर फॉर्म में लाया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ग्राइंडर मशीन इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर बॉक्साइट को डाल के इसको ग्राइंड एंड क्रश करके पाउडर बिल्कुल फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है दैट इज वॉशिंग ऑफ बॉक्साइट टू रिमूव सॉइल पार्टिकल। जो बॉक्साइट को जिसको हमने पाउडर फॉर्म में जो ना कन्वर्ट किया है उस पाउडर बॉक्साइट में से हम क्या करते हैं उसकी वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे एक फिगर है इसके अंदर ऊपर से यहाँ से हम पाउडर्ड बॉक्साइट जो होता है वो हम जो है ना ट्रेकल डाउन करते हैं, यहाँ से वाटर का करंट देते हैं। तो ये वाटर का करंट क्या करता है कि इस बॉक्साइट के अंदर जो भी गैंग पार्टिकल्स या जो इम्प्योरिटीज वगैरह होती हैं फिजिकल चाहे केमिकल इम्प्योरिटीज जो भी हो वो सारी इम्प्योरिटीज वाटर के साथ मिक्सअप होके यहाँ से जो है ना नीचे चली जाती है। बाकी जो इसके अंदर और होता है दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो वो आपकी क्या होगी यहाँ से नीचे जो है ना सेटल डाउन हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ना क्या होता है कि इसमें से जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो भी बाय द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग हम क्या करते हैं उसमें से जो बॉक्साइड वैसे रिमूव आउट हो जाते हैं। उसके बाद जो मेन प्रोसीजर्स हैं एक्सट्रैक्शन के अंदर दो प्रोसीजर होते हैं। सबसे पहले प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर होती है, बॉक्साइट के अंदर जो केमिकल इंप्योरिटीज रह जाती हैं उनसे उनको प्यूरिफाई किया जाता है। तो क्या होगा इसके अंदर जनरली बॉक्साइट को एल्यूमिनियम दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड मैंने आपको पहले बताया कि उसके अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। दूसरे प्रोसेस में क्या करेंगे कि एल्यूमिना जब बनेगा तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और उसमें से जो नाम क्या करेंगे प्योर एल्यूमिनियम को निकालेंगे। तो सबसे पहले जो मतलब अब इसको जो नाम डिटेल में पढ़ते हैं कि जो अभी हमने बताया कि भाई दो स्टेप्स होते हैं प्यूरिफिकेशन कंसंट्रेशन ऑफ ओर। प्यूरिफिकेशन कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होगा कि देर आर सम केमिकल इम्प्योरिटीज विद बॉक्साइड
तो उन केमिकल इम्प्योरिटीज को रिमूव करवाने के लिए हम उसकी कंसंट्रेशन करते हैं और उसको प्यूरिफिकेशन भी कहा जाता है। सेकेंड स्टेप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना, यहाँ पे फिगर दिया गया है जिसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड हो रही है, यहाँ से हमने ओर को डाला है, वाटर को डाला है, तो ये ओर और वाटर मिलकर क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसी इंप्योरिटीज होंगी जो वाटर के साथ मिक्सअप होकर आपकी जो ना बाहर निकल जाएंगी, बाकी आपके पास जो ना वो जो फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज होता है जो ओर होगी वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे दूसरी पिक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को बाय द प्रोसेस पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसको डिकम्पोज किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर इसको जो है हम बाद में डिटेल के अंदर भी पढ़ेंगे कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस जनरली इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं कैथोड एनोड, कैथोड नेगेटिव होता है एनोड पॉजिटिव होता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप किया जाता है, जब उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें से करंट पास होता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो क्या होगा कि वो डिकम्पोज होगा दो पार्ट्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो कैथोड की तरफ जाएगा, जो नेगेटिव पार्ट होगा वो क्या होगा एनोड की तरफ जाएगा। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, और जिस टैंक के अंदर ये प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक से, तो ये हम बाद में डिटेल में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं प्यूरिफिकेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ, प्यूरिफिकेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ किस तरह होती है उसको जो है ना मतलब उसके उसमें से किस तरह जो केमिकल इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव की जाती हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए हम कौन कौन से मेथड जो ना अप्लाई करते हैं वो डिपेंड करते हैं कि हमारे बॉक्साइड के अंदर कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं। जैसे यहाँ पे है कि भाई बॉक्साइड कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड सिलिका एज चीफ इम्प्योरिटीज़, ज्यादातर बॉक्साइड के अंदर दो ही किस्म की इंप्योरिटीज होती है, एक आयरन ऑक्साइड होता है और दूसरा जो उसके अंदर क्या होता है सिलिका होता है, दैट इज सिलिकॉन ऑक्साइड। टू गेट एल्यूमिनियम ऑफ गुड क्वालिटी इंप्योरिटीज मस्ट बी रिमूव, तो एल्यूमिनियम की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके अंदर जो भी इंप्योरिटीज है उनको रिमूव आउट करवाना पड़ेगा, एंड जो क्योंकि ये इम्प्योरिटीज जो है वो एल्यूमिनियम की क्वालिटी को खराब करती है। कैसे खराब करेंगी, एक तो ब्रिटल हो जाएगा, ब्रिटल का मतलब ये है कि अगर उसको थोड़ा सा हम प्रेशर देंगे तो वो ब्रेक डाउन टूट जाएगा छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स के अंदर। कोरोजन का मतलब होता है कि उसके ऊपर रस्ट वगैरह ये सारी चीजें जो ना लग जाएंगी, तो ये सारा क्या होता है कि मेटल की क्वालिटी को खराब करता है। वो मेटल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए वी हैव टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज, तो उसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हॉल्स मेथड है यूज फॉर द इंप्योरिटीज लाइक आयरन एंड सिलिका, अगर दोनों इंप्योरिटीज आपके बॉक्साइट के अंदर हैं तो हम हॉल्स मेथड इस्तेमाल करते हैं। अगर बेयर्स मेथड हम कभी यूज करते हैं जब आपके बॉक्साइट के अंदर सिर्फ आयरन ऑक्साइड की इंप्योरिटी हो। सरफेक्स मेथड कब यूज किया जाता है, जब आपके बॉक्साइट के अंदर सिर्फ सिलिका की इंप्योरिटीज हो। तो दीज मेथड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंप्योरिटी। तो अब हॉल्स मेथड को हम क्या करते हैं डिटेल के अंदर पढ़ते हैं कि भाई हॉल्स मेथड क्या है। हॉल्स मेथड हमने पहले ही पढ़ा कि भाई हॉल्स मेथड हम तो बॉक्साइड की प्यूरी कंसंट्रेशन के लिए तब यूज करते हैं जब उसके अंदर आयरन ऑक्साइड और सिलिका दोनों इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो। इसमें क्या है कि हम बॉक्साइड और सोडियम कार्बोनेट जो एक्वस फॉर्म में होगा मतलब सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इन दोनों को हम क्या करते हैं मिक्सअप करते हैं, इसकी फ्यूजन करवाते हैं, या फ्यूजन के लिए हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसको हीट करेंगे। तो हीट करने से क्या होगा कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करके सोडियम एल्यूमिनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एंड इसके अंदर जो भी वाटर मॉलिक्यूल होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा, यहाँ पे हमने NH2O लिखा हुआ है, तो क्या करेगा कि ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल आपके जो है ना बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन तीनों को जो है ना सेकंड स्टेप के अंदर लेके जाएंगे। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है कि इस सारे मिक्सचर को मिक्सचर ऑफ दीज थ्री सोडियम एल्यूमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर 50 to 60 degrees centigrade के ऊपर इसको हीटअप किया जाएगा। तो हीटअप करने से क्या होगा कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के PPT का मतलब है प्रिसिपिटेट्स बनेंगे सॉलिड फॉर्म में, वो क्या होगा नीचे बॉटम में जो ना वो सेटल डाउन हो जाएगा, बाकी आपका जो सोडियम कार्बोनेट होगा वो सॉल्यूशन के फॉर्म में जो ना उस टैंक के अंदर पड़ा रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेट के फॉर्म में बना, दीज प्रिसिपिटेट्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर फिल्टर्ड, यहाँ पे हम इस मिक्सचर को क्या करेंगे फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने से क्या होगा कि ये जो आपका प्रिसिपिटेट है ये आपके बाहर निकल आएंगे, बाकी ये सॉल्यूशन आपका सेपरेट हो जाएगा। फिल्टर करने के बाद इनके प्रिसिपिटेट को हम वाश करेंगे ताकि अगर बचा हुआ जो सोडियम कार्बोनेट इसके साथ अटैच हो वो भी पानी के साथ क्या हो जाए निकल जाए, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट इज सॉल्यूबल इन वाटर। तो वो वाश करने से क्या होगा कि जो रिमेनिंग सोडियम कार्बोनेट होगा वो भी आपका क्या होगा बाहर निकल जाएगा।
उसके बाद जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको इग्नाइट किया जाता है। इग्निशन का मतलब है कि उसको हीट करेंगे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो क्या होगा कि दिस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विल कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिना, एल्यूमिना दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड प्लस वाटर, वाटर विल एवोपरेट फ्रॉम द रिएक्शन क्योंकि इट इज हाई टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर के ऊपर वाटर जो है ना आपका वेपर्स के फॉर्म में आपके रिएक्शन में से बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज हाउ फाइनली हमें मिला क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। तो दिस इज ओवरऑल अबाउट हाल्स मेथड। उसके बाद हम बेयर्स मेथड की बात करते हैं। तो बेयर्स मेथड में भी क्या होता है कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड 45% सोडियम हाइड्रोक्साइड जो लेते हैं, 45% का मतलब ये है कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाएंगे, इट कंटेन 45 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 55 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इट इज 45%। इसको बॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा कि ये इसके साथ रिएक्शन करके अगेन सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, जो हमने पहले हाल्स मेथड में पढ़ा सोडियम एल्यूमिनेट प्लस जो वाटर है वो आपके बाहर निकल आएंगे। इस सारे मिक्सचर को हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर टू में लेके जाएंगे। तो स्टेप नंबर टू में सेम हाल्स मेथड की तरह इसको 50-60 के ऊपर जो है ना आप हीट करेंगे ना, तो ये सोडियम एल्यूमिनेट क्या होगा, इसके साथ मिलके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रिसिपिटेट्स बनाएगा। वी नो द प्रिसिपिटेट, दीज आर द सॉलिड फॉर्म के अंदर वो सेटल डाउन हो जाएंगे टैंक के अंदर, बाकी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा वो अक्वस फॉर्म के अंदर बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली हाल्स मेथड की तरह प्रिसिपिटेट्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर फिल्टर्ड एंड वॉश्ड टू रिमूव सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम क्या करते हैं कि भाई इनके प्रिसिपिटेट को वॉश करते हैं, फिल्टर करते हैं, फिर वॉश करते हैं ताकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बचा हुआ है इसके साथ वो भी पानी के साथ क्या हो जाए, उसमें से निकल जाए। उसके बाद जो सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो हमें मिलता है प्रिसिपिटेट के फॉर्म में, उसको इग्नाइट करते हैं 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो इट विल कन्वर्ट इनटू एल्यूमिना दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वाटर विल एवोपरेट फ्रॉम द रिएक्शन। तो दिस इज होल अबाउट बेयर्स मेथड। और ज्यादातर बेयर्स मेथड जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज फॉर द रिमूवल ऑफ आयरन ऑक्साइड एज एन इंप्यूरिटी जो उसके अंदर होती है, उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम सरफेक्स मेथड की बात करते हैं। क्योंकि सरफेक्स मेथड क्या है, तो सरफेक्स मेथड जो है ये उन दोनों मेथड से डिफरेंट है। इसके अंदर ज्यादातर सिलिकॉन ऑक्साइड की जो इंप्यूरिटी होती है उसको रिमूव करने के लिए जो हम सरफेक्स मेथड को यूज करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम बॉक्साइड लेते हैं, बॉक्साइड और उसके साथ हम क्या करेंगे कार्बन को लेंगे इन द फॉर्म ऑफ कोक, ये प्योर कार्बन होता है, प्लस इसके साथ नाइट्रोजन गैस को रिएक्शन करवाते हैं एट दिस टेम्परेचर। रिएक्शन की कंडीशन क्या है, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर क्या होगा कि ये जब तीनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये नाइट्रोजन यहां से निकल के एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा और ऑक्सीजन यहां से कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा और वाटर जो आपका यहां पे है वो क्या हो जाएगा, वाटर रिएक्शन में से बॉक्साइड में से आपका वाटर क्या होगा रिमूव आउट हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि जो ये कार्बन हम डालते हैं कोक, वी नो दैट कोक इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये क्या करता है कि सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सिलिकॉन ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है। किसके अंदर, सिलिकॉन के अंदर, इसमें से ऑक्सीजन निकलेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इसका रिडक्शन, तो ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है ना क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और सिलिकॉन आपका जो है ना सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो आपका सिलिकॉन आपके टैंक के अंदर निकल जाएगा। अब यहां पे इस रिएक्शन को फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने से क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी गैस है वो तो निकल गई, दिस इज गैस, ये आपकी निकल जाती है, ये वाटर आपका पड़ा रहेगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो है वो आपका सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, और सिलिकॉन आपका सॉलिड फॉर्म में होगा, तो फिल्टर करने से जो सॉलिड होता है वो निकल जाता है, बाकी एल्यूमिनियम नाइट्राइड सेकेंड स्टेप में हमारे पास ये बचेगा। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या होगा कि वाटर के दो पार्ट्स होंगे, एक हाइड्रोजन आयन बनेगा, एक OH आयन बनता है, तो OH आयन जो होता है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, अगेन प्रिसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बाकी जो H आयन वाटर का होता है वो नाइट्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया गैस बनाता है, अमोनिया इज अ गैस दैट विल रिमूव फ्रॉम द रिएक्शन, वो रिएक्शन से रिमूव हो जाएगा, बाकी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के क्या होंगे प्रिसिपिटेट बनके वो आपके क्या हो जाएंगे नीचे टैंक के अंदर सेटल डाउन हो जाएंगे। यहाँ पे अगेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की इग्निशन करवाते हैं 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर, तो आपको क्या मिला, एल्यूमिना मिला और यहाँ पे वाटर आपका क्या होगा रिएक्शन में से एवोपोरेट हो जाएगा। तो यहां तक हमने जो पढ़ा दिस वाज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इट मींस के प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर या रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज की, तो उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ, जो इसके अंदर केमिकल इंप्योरिटीज हैं आयरन ऑक्साइड या सिलिका उसको हमने रिमूव किया, तो इसको इस सारे होल प्रोसेस को हम कहते हैं कंसंट्रेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर। अब इसके सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं, अब हमारे पास ये आ गया एल्यूमिना, एल्यूमिना को हम प्योर एल्यूमिना कन्वर्ट
कन्वर्ट करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है एक्चुअली, मैंने आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर एक कंपाउंड लिया जाता है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव नेगेटिव कैथोड एनोड लगाए जाते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, तो वो कंपाउंड आपका क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो इस सारे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज कैरीड आउट बाय हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी एग्जाम में आता है कि भाई कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना इज कैरीड आउट इन अ स्टील टैंक, इसके लिए बड़ा सा एक टैंक लिया जाता है दैट इज मेड अप ऑफ स्टील लाइंड इनसाइड विद ग्रेफाइट, और उसकी जो इंटरनल वॉल्स हैं उसके ऊपर ग्रेफाइट को लगाया जाता है। The graphite lining serves as a cathode, जो internal lining के ऊपर हमने graphite लगाया वो आपका cathode हो गया, और आपको पता होना चाहिए कि cathode के ऊपर हमेशा negative charge होती है। Anode is also made up of graphite rods hanging in a molten mass। Anode जो होता है वो आपका graphite rods का बना है और वो cell के ऊपर से क्या होते हैं, hang की जाती है। Electrolyte consists of alumina, जो aluminium oxide है, dissolved in fused cryolite and fluorspar। Alumina के साथ क्या करते हैं कि cryolite and fluorspar को mix करते हैं, तो इन तीनों चीजों के mixture को हम क्या करते हैं, electrolyte कहते हैं, जो इसकी electrolysis के लिए हम क्या करेंगे, use करेंगे। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइज जो स्टील टैंक है ये मेड अप ऑफ स्टील, ये जो इंटरनल लाइनिंग है दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट जो एक्टिंग एज ए कैथोड, ये ऊपर जो रॉड्स हैंग की गई हैं दीज आर एनोड, दीज आर आल्सो मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। इसके अंदर जो सॉल्यूशन आपको नजर आ रहा है दिस इज मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना क्रायोलाइट एंड फ्लास्पर, इन तीनों चीजों का मिक्सचर है, उसको जनरली हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्रायोलाइट क्यों यूज करते हैं, तो क्रायोलाइट क्या करता है कि जो हमने एल्यूमिना डाला है उस एल्यूमिना की जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको कम करता है। वैसे एल्यूमिना की मेल्टिंग पॉइंट थाउजेंड्स के अंदर होती है, तो उसको कम करके 950 तक लेके आता है। क्रायोलाइट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना टू 950 एंड फ्लास्पर इंक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ मास दैट लिबरेटेड एल्यूमिनियम मेटल मे असेंड टू द बॉटम ऑफ सेल। फ्लास्पर क्या करता है कि जो मेल्ट हो जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बाय द एडिशन ऑफ क्रायोलाइट एट 950 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा कि फ्लास्पर क्या करेगा कि उसकी फ्लूइडिटी को, टेंडेंसी टू फ्लो, उसको बिल्कुल जो है ना उसकी डेंसिटी को कम करके उसकी फ्लूइडिटी को बढ़ा देगा ताकि वो इजीली उसमें से क्या हो जाए, सेपरेट आउट हो जाए। When electric current is passed through the mixture, the aluminium is collected at cathode in molten acid, which is 99% pure. अब जब इसको हम electricity देते हैं, जो aluminium होता है, वो आपका cathode के ऊपर collect हो जाता है। Cathode के ऊपर क्यों collect होता है? क्योंकि aluminium is a metal, it will get positive charge. इसके ऊपर positive charge होती है, तो वो cathode की तरफ आएगा, क्योंकि cathode के ऊपर negative charge है। Aluminium collected at cathode sink to the bottom and tapped off. जो cathode के ऊपर aluminium आएगा, वहाँ पे उससे कुछ reactions होंगे। Reaction होने के बाद aluminium जो आप यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा इस कैथोड के ऊपर, और यहाँ से हम इसको टैप्ड ऑफ करके जो ना इसको एल्यूमिनियम को बाहर निकालेंगे। दैट एल्यूमिनियम दिस इज 99% प्योर एल्यूमिनियम। तो इसके अंदर रिएक्शन कौन से होते हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्रायोलाइट है, जब उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो क्रायोलाइट डिकम्पोज होता है सोडियम एल्यूमिनियम एंड फ्लोरिन। सोडियम प्लस चार्ज बनाएगा क्योंकि मेटल है, एल्यूमिनियम भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, आयन बनाएगा क्योंकि ये भी मेटल है, फ्लोरिन नेगेटिव क्योंकि नॉन मेटल है। कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम भी मेटल है, प्लस टू बनाएगा, फ्लोरीन माइनस वन बनाएगा क्योंकि दिस इज नॉन मेटल। एल्यूमिना जो होता है दिस इज आल्सो डिकम्पोज ऑक्सीजन के अंदर और एल्यूमिनियम के अंदर, एल्यूमिनियम विल गेट प्लस थ्री एंड ऑक्सीजन विल गेट माइनस टू। और उसके बाद जब ये आयन सारे बन जाते हैं तो इनमें से जो पॉजिटिव आयन होंगे वो कैथोड की तरफ जाएंगे, जो नेगेटिव आयन होंगे वो क्या करेंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। जो कैथोड की तरफ जो पॉजिटिव आयन आता है वो एल्यूमिनियम आता है, सोडियम और कैल्शियम नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे हमने एक नोट लगाया हुआ है कि भाई एल्यूमिनियम डिस्चार्ज फर्स्ट एट कैथोड फ्रॉम सोडियम एंड कैल्शियम बिकॉज एल्यूमिनियम हैज लोअर पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो वहां पे जो एल्यूमिनियम है वो मेटल्स के अंदर जो ना सबसे नीचे होता है, तो उससे क्या होगा, जो मेटल ज्यादा नीचे होगा उसकी डिस्चार्ज कैथोड के ऊपर पहले होगी, बाकी जो एल्यूमिनियम जो मेटल ऊपर होगा उसकी डिस्चार्ज कैथोड के ऊपर देर से होगी। तो कैथोड के ऊपर क्या होगा कि एल्यूमिनियम जाएगा कैथोड के ऊपर, यहाँ पे दो एल्यूमिनियम है तो एक एल्यूमिनियम के ऊपर प्लस थ्री या छह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एल्यूमिनियम न्यूट्रल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर चार एल्यूमिनियम है तो 12 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एल्यूमिनियम न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारा कैथोड के ऊपर रिएक्शन होगा। एनोड पे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन होता है वो एनोड के ऊपर जाएगा, इसके ऊपर माइनस टू चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, छह इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू है, तीन ऑक्सीजन है तो छह इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और ऑक्सीजन
आपका एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर छह ऑक्सीजन है तो 12 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और ये छह के छह ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन बेस बना के द्वारा इसमें से क्या हो जाएगा, सेल में से बाहर निकल जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अल्यूमिना। इसमें से हम क्या किया कि भाई अल्यूमिनियम ऑक्साइड जो था उसमें से हमने ऑक्सीजन को रिमूव किया और हमारे पास क्या हो गया, अल्यूमिनियम मिल गया। तो ये इस तरह से जो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे। उसके बाद हम करते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो अल्यूमिनियम आया दैट इज 99% प्योर अल्यूमिनियम, तो इसलिए हम उसकी क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। तो रिफाइनिंग के लिए क्या किया जाता है, रिफाइनिंग के लिए आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस अल्यूमिनियम इज फर्दर रिफाइंड। यहाँ पे अल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं, सिर्फ अल्यूमिनियम होगा। अल्यूमिनियम इज फर्दर रिफाइंड बाय हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो हम हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इस्तेमाल करते हैं फॉर द रिफाइनिंग ऑफ अल्यूमिनियम। इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने पहले भी बताया कि कैथोड एनोड इलेक्ट्रोलाइट ये सारे होते हैं, तो यहाँ पे भी यही होगा। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा उसके अंदर तीन लेयर्स होंगी। सबसे द लोअर लेयर कंसिस्ट ऑफ एन अलॉय ऑफ इम्प्योर एल्यूमिनियम विद कॉपर, दिस लेयर सर्व एज एनोड। द मिडिल लेयर कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्रायोलाइट एंड बेरियम फ्लोराइड। द अपर लेयर कंसिस्ट ऑफ प्योर एल्यूमिनियम विद सर्व एज अ कैथोड। तीन लेयर्स होती हैं, अपर लेयर, मिडिल लेयर, लोअर लेयर। लोअर लेयर के अंदर इम्प्योर एल्यूमिनियम होता है विथ कॉपर, उसका एलॉय होता है। मिडिल लेयर के अंदर जो ना क्रायोलाइट एंड फ्लॉस्पर हम डालते हैं। बाकी जो लोअर लेयर होती है उसके अंदर प्योर एल्यूमिनियम होता है। वो जो अपर लेयर होता है उसके अंदर प्योर एल्यूमिनियम होता है। जो कैथोड होता है, जो लोअर लेयर होती है वो आपका एनोड होता है। और ये तीनों लेयर एक दूसरे से सेपरेट होती हैं बाय द स्पेसिफिक ग्रेविटी, या आप उसको डेंसिटी भी जो है ना, कभी डेंसिटी के बेस के भी एक दूसरे के ऊपर होती हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर भी एक दूसरे से सेपरेट होती है। जिस तरह यहाँ पे फिगर में है, अपर लेयर, मिडिल लेयर, लोअर लेयर। ये लोअर लेयर है एल्यूमिनियम एंड कॉपर का एलॉय है, दिस इज एक्टिंग एज एनोड। ये फ्लॉस्पर एंड क्रायोलाइट का मिक्सचर है, दिस इज ये मिडिल लेयर है। और ये अपर लेयर प्योर एल्यूमिनियम, दिस इज एक्टिंग एज ए कैथोड। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये आपका एनोड है, ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो एल्यूमिनियम आपका जो इम्प्योर होता है दैट इज 99% जो प्योर एल्यूमिनियम होता है, वो हम यहाँ से जो ना इसको नीचे से जो ना डालते हैं मोल्टन स्टेट के अंदर, तो ये एल्यूमिनियम जो ना 99.9% में प्योर होकर यहाँ पे आ जाएगा। क्या रिएक्शन होगा, क्रायोलाइट सेम सोडियम फ्लोराइड एल्यूमिनियम फ्लोराइड में कन्वर्ट होगा। जो एल्यूमिनियम फ्लोराइड है वो अगेन एल्यूमिनियम एंड फ्लोरीन के अंदर कन्वर्ट होगा। अब हम आते हैं कैथोड और एनोड के ऊपर। कैथोड में क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ से बीच वाली लेयर से निकल के ऊपर जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो बना है ये जो ना मिडिल लेयर का रिएक्शन है, तो इसमें से जो एल्यूमिनियम बना है ये एल्यूमिनियम तीन इलेक्ट्रॉन गेन करके इस एल्यूमिनियम ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे कैथोड के ऊपर जाएगा। एनोड के ऊपर क्या होगा कि ये एल्यूमिनियम जो है नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये तीन इलेक्ट्रॉन जो है ना लूज करेगा और ये मतलब एल्यूमिनियम प्लस में कन्वर्ट। ओवरऑल क्या होगा कि ये जो एल्यूमिनियम है मिडिल लेयर से अपर लेयर में इसमें कन्वर्ट हो गया, ये एल्यूमिनियम जो है लोअर लेयर से मिडिल लेयर में चला गया। तो इस तरह से जो है ना इसकी क्या होती है, रिफाइनिंग होती है। तो ये मैंने अभी बताया कि भाई मिडिल लेयर से एल्यूमिनियम अपर लेयर में जाता है, और जो जितने मिडिल लेयर से अपर लेयर में एल्यूमिनियम जाएंगे उतने ही जो है लोअर लेयर से मिडिल लेयर में एल्यूमिनियम आते हैं, और उसमें से जो हमें एल्यूमिनियम मिलता है दैट इज 99.9% प्योर एल्यूमिनियम। उसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम। प्रॉपर्टीज दो किस्म की होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि भाई एल्यूमिनियम एक ब्लूइश व्हाइट कलर सिल्वरी लस्टर का होता है, लाइट एंड चीप होता है, हल्का होता है और सस्ता भी होता है, मेलिएबल होता है, इसकी शीट्स बना सकते हैं, डक्टाइल होता है, शीट्स की वायर्स भी बना सकते हैं। डक्टाइल का मतलब है वायर्स बनाना, शीट मेलिएबल का मतलब है शीट्स बनाना। कोरोजन रेजिस्टेंस, इसके ऊपर जंग वगैरह नहीं लगता। मेल्टिंग पॉइंट जो है 658 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 1800 है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इसकी हम वायर्स भी बना सकते हैं। उसके बाद हम बताते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनका रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ होता है। तो सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, एक्शन ऑफ एयर, कि एयर का एल्यूमिनियम के साथ कौन सा रिएक्शन होता है या वो किस तरह इफेक्ट करती है। तो व्हेन अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम इज एक्सपोज टू एयर, फाइन कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल प्रोटेक्ट फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन इन नॉर्मल कंडीशन। अगर कोई भी चीज़ हम एल्यूमिनियम की एयर के अंदर रखते हैं, तो जो अपर लेयर ऑफ एल्यूमिनियम होती है उसकी जो है ना ऑक्सीडेशन हो जाती है, उसके ऊपर जो है ना ऑक्साइड लेयर बन जाती है, बाकी उसके नीचे जो जितना भी एल्यूमिनियम अंदर होता है वो सारा का सारा वैसा के वैसा पड़ा रहता है, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। तो इसलिए कहते हैं एल्यूमिनियम इज अ सेल्फ प्रोटेक्टिव मेटल। आयरन में इस तरह नहीं, तो आयरन को अगर एयर के अंदर रखेंगे तो पूरा का पूरा जो है उसके ऊपर जंग लग जाएगा।
However, aluminum powder is heated to 800 or above the metal, react with air to form aluminum oxide or aluminum nitride. जिस तरह ये aluminum को oxygen के साथ reaction कराते हैं, high temperature के ऊपर तो aluminum oxide बनाएगा. Air के अंदर nitrogen भी होता है, तो nitrogen के साथ जब aluminum reaction करेगा, तो aluminum nitride बनाएगा. और ये दोनों reaction जो है, वो exothermic reaction है. क्योंकि इन reaction में से energy release होती है, इसलिए जो है ना energy भी release होती है और ज्यादातर जो है वो व्हाइट इंटेंस लाइट भी प्रोड्यूस होती है. तो ज्यादातर जो एल्यूमिनियम का एयर के साथ रिएक्शन है एट हाई टेम्परेचर दैट इज 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो है ना ये प्रोसेस फ्लैश लाइट फोटोग्राफी के अंदर इस्तेमाल होता है. जहां पे लाइट भी फ्लैश होती है तो वहां पे क्या होता है कि एल्यूमिनियम जो ना एयर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो जाता है. उसके बाद क्या है कि जो है ना मोल्टन मेटल में से बबल्स को रिमूव करने के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है. सेम यही रिएक्शन होता है इसमें. उसके बाद एक दूसरी प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटल में आपके जो है ना क्लोरीन आ जाता है, सल्फर आ जाता है जो है ना, और जो क्या आ जाता है नाइट्रोजन आ जाता है, कार्बन आ जाता है. तो नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन करता है. जिस तरह एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाएगा जो अभी हमने पढ़ा, एल्यूमिनियम कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम कार्बाइड बनाएगा, सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम सल्फाइड बनाएगा बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट. और दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें से भी क्या होती है हीट रिलीज होती है. उसके बाद अल्कलीज बेस के साथ किस तरह रिएक्शन करता है. वैसे एल्यूमिनियम जो है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, तो एम्फोटेरिक नेचर में क्या होगा कि इट कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस. तो जब बेस और एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है. तो एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जब रिएक्शन करेगा तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगा, क्योंकि ये एम्फोटेरिक है तो बेस और एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाता है. तो यहाँ पे ये साल्ट बन जाता है और प्लस में क्या बनता है वाटर बनता है. उसके बाद है एक्शन ऑफ एसिड. एल्यूमिनियम जो है ना वो क्या है कि डाइल्यूट एसिड जो है उनके साथ इतना जल्दी रिएक्शन नहीं करता, लेकिन सॉरी डाइल्यूट HCl के एसिड से जो है उसके साथ ये जिस तरह यहाँ पे एल्यूमिनियम रिएक्ट स्लोली विद डाइल्यूट एसिड एंड मोर रैपिडली विद कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिबरेट हाइड्रोजन गैस. जो एल्यूमिनियम है एसिड हमारे पास HCl भी है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट है उसके साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन करता है HCl के अंदर, दोनों के साथ रिएक्शन करता है लेकिन डाइल्यूट के साथ स्लो करता है और कंसंट्रेटेड के साथ जल्दी रिएक्शन करता है. क्या बनाएगा एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्शन कराएगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन यहाँ से गैस के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, जिसे कहा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट. उसके बाद है कि भाई एल्यूमिनियम जो है जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, डाइल्यूट के साथ नहीं करता, कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन करता है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, एल्यूमिनियम सल्फेट बनाता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाता है. ठीक है ना. तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइज करेगा सल्फ्यूरिक एसिड को और नतीजे में ये सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. उसके बाद यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम के ऊपर आते हैं. वैसे एल्यूमिनियम के बहुत ज्यादा यूजेस हैं, ज्यादातर एल्यूमिनियम की जो है ना हम फॉइल्स वगैरह आपने देखी होंगी, चॉकलेट्स रैपिंग के अंदर इस्तेमाल होती है, मेडिसिन को भी रैप किया जाता है, सिगरेट्स के अंदर चॉकलेट सिगरेट्स मेडिसिन एंड फोटोग्राफिक फिल्म्स के अंदर इस्तेमाल होती है. जैसे यहाँ पे ये फोटोग्राफिक फिल्म है पहले जमाने में इस्तेमाल होती थी, नाउ व्हाट इज हम मेमोरी कार्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये पहले यूज होती थी. तो इसके अंदर एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है. यहाँ पे चॉकलेट को रैप किया गया है एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर, ये भी एल्यूमिनियम का बना हुआ है. यहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एल्यूमिनियम के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर जंग वगैरह नहीं लगता, तो इसलिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं. और उसके साथ साथ जो है एक होता है मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर एंड एल्यूमिनियम नाइट्रेट, दैट इज कॉल्ड एमुनल. एमुनल क्या है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर एंड एल्यूमिनियम नाइट्रेट. इट इज यूज फॉर द एक्सप्लोजिव बम्स, एक्सप्लोजिव बम के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है. तो ये भी जो है एक एल्यूमिनियम का मतलब एप्लीकेशन है एल्यूमिनियम की. उसके बाद एल्यूमिनियम के एलॉयज भी बनाए जाते हैं, एज ए एलॉय के फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है. उसमें सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज है, इट इज मेड अप ऑफ 10% एल्यूमिनियम 90% कॉपर. तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये लाइट होता है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, टफ होता है, हल्का होता है, मतलब सख्त भी होता है, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, इसके ऊपर जंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि एल्यूमिनियम जो है इट इज सेल्फ प्रोटेक्टिव मेटल है, वो खुद को खुद ही प्रोटेक्ट करता है. उसके बाद गोल्डन कलर का होता है, तो गोल्डन कलर की वजह से क्या होता है कि इसके इसको यूज फॉर द यूज इन मैन्युफैक्चर
जरा इमिटेशन ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी का मतलब है आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल रही है भाई, जो सस्ती भी है, बहुत सस्ती है एज कम्पेयर टू प्योर गोल्ड। तो इमिटेशन ज्वेलरी बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके क्वाइंस वगैरह बनते हैं हमारे पास, बहुत ज्यादा क्वाइंस जो नाम यूज करते हैं, तो उसमें से जो है ना जो गोल्डन कलर के क्वाइंस ऑफ एल्युमिनियम ब्रॉन्ज के बने हुए होते हैं, डिफरेंट टाइप के स्टैचूज वगैरह भी बनते हैं तो वो भी जो है ना एल्युमिनियम ब्रॉन्ज के होते हैं। उसके बाद ड्यूरालूमिन है, ये भी एक एल्युमिनियम का एलॉय है, ये भी डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे 90% ऑफ एल्युमिनियम इसके अंदर होता है, 4% कॉपर होता है, 0.5% मैग्नीशियम होगा और 0.5% निकिल होगा, तो इन सब रेशियोज को आपस में जब हम मिलाते हैं तो उसमें से ड्यूरालूमिन बनता है। इसकी प्रॉपर्टी, ये लाइट होता है, ये भी टफ होता है, डक्टाइल होता है, टेंसाइल होता है, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज है। इट इज यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट, ज्यादातर यहाँ मुझे सर F-16 की हमने पिक्चर दी हुई है, तो ज्यादातर जो है ना एयरक्राफ्ट बनाने के लिए जो है ना हम इसको ड्यूरालूमिन को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो मेजर यूज है इसका थर्माइट प्रोसेस है, ये इसका थर्माइट प्रोसेस जो है ना, ये ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर भी आता है भाई, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थर्माइट प्रोसेस। तो थर्माइट प्रोसेस में क्या है कि एल्यूमिनियम इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें क्या होगा कि जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, आयरन ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, तो उन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम को रिएक्शन करवाया जाता है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा उन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकालेगा। जिस तरह आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे यहाँ से जब आयरन निकलेगा, आयरन ऑक्साइड में से जब ऑक्सीजन निकलेगा, तो ये आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। इन दिस रिएक्शन एल्यूमिनियम इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद क्या है, ये जब ये रिएक्शन होता है तो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इट रिलीज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी अप टू 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है और इसमें से हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो इसके लिए इसको इस थर्माइट प्रोसेस यूज फॉर वेल्डिंग पर्पज, ज्यादातर इसको वेल्डिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पे वेल्डिंग करते हैं वहाँ पे अगर आप हाथ भी लगाएंगे ना तो बहुत ज्यादा वो जो ना गर्म होता है। जिस तरह यहाँ पे रेल की पटरी टूटी हुई है, इसको जो ना यहाँ पे वेल्ड कर रहा है, यहाँ से बहुत ज्यादा जो है ना हीट रिमूव हो रही है, तो इसको जो नाम क्या कहते हैं, थर्माइट प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद हम ये सारा चीज हमने पढ़ लिया, अब हम ये देखते हैं समरी में क्या पढ़ेंगे कि आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने ये सीखा कि भाई नेचर के अंदर जो मेटल्स हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, उनको प्योर फॉर्म में लाया जाता है। जिस तरह इन नेचर मेटल्स आर नॉट प्रेजेंट इन देयर प्योर फॉर्म बट दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओर्स एंड मिनरल्स। ओर्स एंड मिनरल्स की शक्ल में होते हैं लेकिन प्योर फॉर्म में नहीं होते। मेटल्स आर प्यूरिफाइड बाय मेटलर्जिकल प्रोसेस टू मेक देम यूजफुल। मेटल्स को यूजफुल बनाने के लिए हम उसको मेटलर्जिकल प्रोसेस में से पास करवाते हैं ताकि हमें मेटल प्योर फॉर्म में मिल जाए। एल्यूमिनियम इज वेरी इंपॉर्टेंट मेटल, एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटल है। इट्स परसेंटेज इन अर्थ इज हाई एज कम्पेयर टू अदर मेटल लाइक सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। दूसरे मेटल के मुकाबले में इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। इट इज फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। बॉक्साइट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज टेकन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम मेटल इन प्योर फॉर्म। ज्यादातर एल्यूमिनियम को प्योर फॉर्म मिलाने के लिए, एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन के लिए हम जिस ओर को यूज करते हैं दैट इज नोन एज बॉक्साइट। एल्यूमिनियम इज फर्दर रिफाइंड टू ऑब्टेन एल्यूमिनियम ऑफ मैक्सिमम प्योरिटी। मेटलर्जी के थ्रू जब एल्यूमिनियम मिलता है वो 99% प्योर होता है। इसको मजीद प्योरीफाई करने के लिए इसके हम रिफाइनिंग करते हैं। एल्यूमिनियम हैज मेनी यूज लाइक एल्यूमिनियम फॉयल, मेकिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। एल्यूमिनियम को ज्यादातर एल्यूमिनियम फॉयल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रैपिंग के लिए जो नाम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग एक्सप्लोजिव एंड फॉर वेल्डिंग पर्पज। एक्सप्लोजिव बम्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और वेल्डिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड फाइनली थैंक यू वेरी मच।